कर मैं जय और मेरे YouTube चैनल जय के जसपुर छोरा में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी मैं फाइनली यहां घाघरा में पहुंच गया। दोस्तों नमस्कार, मैं जय और मेरे YouTube चैनल जय के जसपुर छोरा में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं अभी आया हूं घाघरा में और आप देख सकते हैं यहां घाघरा का बस स्टैंड है ये, और यही मार्केट लगता है। तो दोस्तों ये माननीय विनय भगत जो हमारे जसपुर के जो विधायक जी हैं उनके गाँव में आ गया हूँ और ये फंस गया सी है। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। और अभी मेरे को सूचना के आधार से मेरे को पता चला था कि यहाँ पर बेस्ट यूट्यूबर लोग सब लोग आए हैं, तो मैं उन लोग से मिलना चाहूंगा। और वो यूट्यूबर का नाम है, अरे कहना क्या चाहते हो कितने दोस्तों, वो यूट्यूबर भाई लोग, अभी मैं इन्हीं का नाम लेने वाला था। तो सब यूट्यूबर भाई लोग पहुंच गए यहाँ पर, सरोज भगत, और देख ही सकते हैं। अब मैं इनका नाम तो नहीं बताऊंगा, यहाँ प्यारी समझ गई लोकेश भैया और हमारे कौशल भैया दोनों साथ में हैं। फाइनली अभी पहुंच गए हैं, बहुत ही मजा और एक्साइटेड हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो जाएंगे और वहाँ पे कुछ मतलब पुराण ट्राइब पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, कुछ फूड वूड बनाएंगे। देन उसके बाद मनोरा आप लोग बता रहे थे कोई एक मार्केट, मार्केट मार्केट है आज, मार्केट भी जाएंगे। सरोज भी अपना गांव लेके जा रहे हैं हम लोग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये हमारे छत्तीसगढ़ के रैंक वन वाले यूट्यूबर भैया लोग हैं, आप देख ही सकते हैं। तो भैया लोग अभी निकल रहे हैं, साथ में अभी अपन लोग निकल रहे हैं। एकदम 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 आ रहे हैं भैया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देख सकते हैं फाइनली अभी हम लोग सरोज भैया के घर जाने से पहले हम लोग को एक छोटा नदी मिला है। तो आप देख ही सकते हैं कि हम लोग महेंद्र भैया से जा रहे हैं आगे, और यहाँ सरोज भैया लोग और बाकी यूट्यूबर भैया लोग आगे निकल गए हैं। तो देख ही सकते हैं दोस्तों फाइनली कैसे जंगल रास्ते से हम लोग क्रॉस करके जा रहे हैं। ऐसे एक गांव का लड़का बना यूट्यूबर, मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, जीरो से बना हीरो। दोस्तों यहाँ प्यारा सा एक सुनहरा सा गांव, ये सैला जाने से पहला का है, और जिंदगी काटते हैं यही नल बोरिंग से पानी पीते हैं लोग। अपन लोग चीरो टोली पहुंच गए हैं और यहाँ पर का देख रहे हैं कैसे रहन सहन यहाँ के लोग आदिवासी क्षेत्र में अभी पहुंच गए हैं। तो देख ही सकते हैं दोस्तों फाइनली अब ये सरोज भैया का घर आगे तरफ बताया जा रहा है। हम लोग यहाँ से पूछे और आगे जा रहे, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। देख ही सकते हैं दोस्तों यहाँ सैला में गेहूँ का खेती कैसा किस तरह से किया गया है। दोस्तों यही स्कूल में सरोज भैया पढ़ा करते थे ऐसा हमको बताया गया है कि बच्चे लोग हैं। ये सरोज भैया का बगान आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सरोज भैया का गांव है और इसमें अपना खेती बाड़ी करके रोजाना अपना जिंदगी चला रहे थे। फिर देखते हैं दोस्तों काफी सारे यहाँ पर यूट्यूबर भाई लोग आ गए हैं और अपन लोग पहुँच गए यहाँ पर। तो कौशल भैया यहाँ का सफर कैसा रहा? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, इंकलाब, एकदम घर भर देख के दिल खुश हो गया एकदम। पूरा भूतों को क्रॉस करते हुए, पता है भूत का बहुत सारा स्टोरीज है। हाँ, तो मैं इन्हीं का जिक्र किया था, इन्हीं का गांव है ये जीरो से बने हीरो, जसपुर के टॉप रैंक वन में है यूट्यूबर भैया सरोज। तो यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बताना चाहूंगा जरूर, जेके भाई की वीडियो देख सकते हैं बारीकी, वन टू वन करके बताएंगे, एक बार बताएंगे तो मजा रहना जैसा गांव, क्या बोलते हैं। चलिए बताते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ के हमारे दादी और चाची दोनों मूली को, बड़ा बड़ा मूली है ना, आलू आलू का। ये सरोज भैया का घर है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक यूट्यूबर, गरीब घर का लड़का बना करोड़पति, यही है वो सरोज भैया, आप देख ही सकते हैं। और ये सरोज भैया, सरोज भैया के बेटे और सरोज भैया के माता श्री, सरोज भैया के रहन सहन यही गुजारा अपना का। अरे साथ में बाबू आए हैं, अरे सरोज भैया। जय और मेरे YouTube चैनल जय जसपुरा छोरा में स्वागत करता हूं। तो आज का नया लुक हमको लोग को कैसा लग रहा है, तो ये हमको सरोज भैया के बेटे ने गिफ्ट किए हैं और आज मैं इसको पहन के कुछ अलग वाले एक्साइटेड लग रहा हूं भाई। देखते हैं दोस्तों यहां पर अभी अपन सरोज भैया के घर में पहुंच गए हैं, और ये क्या है सरोज भैया, बहुत अजीबा चीज लगा हमको। बताओ क्या है, क्या है मम्मी, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं जानो। नहीं दोस्तों देख ही सकते हैं अभी सरोज भैया के घर में हम लोग पहुंच गए हैं और अपना देसी स्टाइल में आज जो कर देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐसे सीन हो रहा है, देख ही सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सरोज भैया मुर्गा बनाते हुए।
तो देख ही सकते हैं दोस्तों, यही वो यूट्यूबर हैं हमारे जसपुर छत्तीसगढ़ के। देख ही सकते हैं दोस्तों यहाँ पर का इनकी निजी जिंदगी में कैसे गुजर बसर करके अपने जीवन यापन करते थे, और उनके बेटे उन्हीं के नौछत्र में अभी चलने वाले हैं। तो देख ही सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अपने बाबू को भी देख रहे हैं, है ना दक्ष, तू भी ऐसा करेगा कि नहीं? करूंगा। कंप्लीट हो जाएगा बनने में एक घंटा? हाँ। पेट में चूहा दौड़ रहे हैं भैया। मेरा में तो भूत। तेरा में भूत। वायरल हो जाएगा वीडियो। क्या हो जाएगा? वायरल? हम लोग का वीडियो वायरल हो जाएगा? वायरल ही होगा। वायरल माने ज्यादा सप्लाई बढ़े। अरे वाह, मजा पे बच्चे का बात रखो और ये वीडियो को वायरल करो। जो कुछ भी यूज नहीं किया गया है, यूरिया डीएपी वगैरह जो होता है ना, वो सब यूज नहीं किया गया है। जंगली लहसुन? हाँ जंगली लहसुन, ये गोबर खाद वाला। अच्छा अच्छा, गोबर खाद से जो तेल खरीदा गया है, इसमें तेल खरीदा गया है। हाँ, बाकी ये सारा सब घर का ही है। और अभी जो हल्दी है ये भी बाहर का है। अच्छा, इसको खरीदे? हाँ, और नमक खरीदे? नमक खरीदे। बाकी जितना भी हरा आइटम दिख रहा है, प्याज दिख रहा है। हाँ, जसपुर जिला में पड़ता है। हाँ, उराव आदिवासी हैं आप, है ना? हाँ, आदिवासी हैं हम। क्या बात, तो यहाँ अपन आए हुए हैं और सरोज भाई के होम स्टे में रुके हुए हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं और विलेज लाइफ स्टाइल और यहाँ कल्चर को देखते हैं, क्या बोलते सर? हाँ हाँ, आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से कहीं भी, कहीं से भी आ सकते हैं। एकदम प्योर प्योर, हाँ शुद्ध वाला। तो देख ही सकते हैं दोस्तों, फाइनली यहाँ पर लोकेश भैया और कौशल गोस्वामी और सरोज भैया के साथ में आज इनके आदिवासी क्षेत्र में आए हैं। तो आदिवासी वाले टेक्निकल यूज कर रहे हैं हम लोग। तो देख ही सकते हैं दोस्तों, सरोज भगत यूट्यूबर अभी चिकन मुर्गा बनाते हुए यहाँ पर मोटर ऑन कर लिए हैं और अभी चिकन को ये धोने वाले हैं नल में। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर पूरा धो के कंप्लीट हो गया और चिकन ओपन पूरा काट कट कर रहे हैं। हो गया चिकन कट करके कंप्लीट, अब इसको हम लोग फ्राई करने वाले हैं इसमें। ये ठीक से नहीं ले रहा था, आपको इसके इनके चैनल में देखने के लिए मिल रहा है। देख रहे हैं दोस्तों आदिवासी कल्चर तैयार हो चुका है जो यहाँ बनाया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफी सारे और जितने यूट्यूबर भाई लोग आए हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वीडियो बना रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो हमारे साथ में है महेंद भाई। हाय बोलो महेंद। फिर अभी देख ही सकते हैं दोस्तों पूरा चिकन यहाँ पक के पूरा रेडी हो रहे हैं और ये नमक उमक डाल रहे हैं सरोज भैया, और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब खुशबू तो बहुत दूर तक आ रहा है भाई, का ही बताया। तो हम कौशल भैया से जानेंगे इसके। आज का ये रेसिपी है चिकन का, वो लगभग बन के तैयार है, लगभग मतलब पूरा बन के तैयार है, और हम अब इसका स्वाद लेकर के आपको बताएंगे। हमारे सरोज भाई ने चावल और दाल भी बनाया हुआ है जिसका हमने बनते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि चिकन का रेसिपी और चिकन का स्वाद ही आपको दिखाएं। और इन्होंने साथ ही साथ ये क्या पत्ते का है? साल पत्ते का ही है। साल सराई भी बोलते हैं इसको, वही है ना? हाँ वही है। तो साल मैंने सराई के पत्ते का इन्होंने बहुत ही मतलब लाजवाब तरीके का कुछ डिस्पोजल पात्र बनाया है, और इसमें हम खाएंगे चावल, टेस्ट करेंगे चिकन और चावल दोनों को। चलिए सर, लगभग लगभग आधा से एक घंटा लग गया ना बनने में? हाँ, एक घंटा करीब बोलते। अच्छा, बॉयलर चिकन था इसलिए इतना कम समय लगा। अगर ये थोड़ा कम, बस काफी स्वादिष्ट। जवाफुल चावल का है? अच्छा, जवाफुल है ना? जवाफुल हमारे। अच्छा, इसमें अपन ना दाल ले लेंगे। मैं चाहता हूँ आप चिकन, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चिकन में किसी भी प्रकार का पैकेट वाला मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई भी बाहरी नहीं है, सिर्फ नमक और तेल बाहर से लिया गया है, बाकी सारा चीज हमारे जो सरोज भाई है उनके घर का है, गर्मा गर्म। यहाँ तक की धनिया पत्ती भी घर का ही है, एकदम बाड़ी में ही बैठे हुए हैं हम लोग, और आलू से लेकर सारा आइटम यहीं पे है। सबसे पहले तो मैं ग्रेवी ही टेस्ट करना चाहूंगा, काफी गर्म है, बताते हुए मुंह में टेस्ट आ रहा है, लालच आ जा रहा है, मुंह में पानी आ जा रहा है, क्योंकि खुशबू इतना शानदार है कि क्या बताऊं। आह बढ़िया ना? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। धन्यवाद धन्यवाद। इतना मतलब लजीज है, इतना स्वादिष्ट है कि उम्मीद नहीं था। हम लोग क्या सोचते हैं, जो भी बाहर के जो मसाले होते हैं, चाहे चिकन का एवरेस्ट मसाला हो या जो भी, उन सभी से ही चिकन या कोई भी नॉनवेज बड़ा स्वादिष्ट बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव
का जो अपना स्वाद है, ट्राइबल कल्चर का जो अपना स्वाद है, हमारे सरोज भाई ने अपना एक्सपीरियंस अनुभव से ये जो चिकन बनाया काफी अच्छा है ना, काफी स्वादिष्ट है। और ये आपके जवाब बहुत ही लाजवाब, मतलब मैंने अभी तक सच बताऊं हमारे जो ऑडियंस है या जो आपको मुझको देखते हैं वो जान रहे हैं कि मैं जब ट्राइबल कल्चर या फूड पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट करता हूँ, लेकिन न कहीं भी मैंने एक सिंगल ऐसा वीडियो नहीं बनाया है जिसमें पैकेज वाला मसाला इस्तेमाल ना। अच्छा अच्छा, ये फर्स्ट। अच्छा अच्छा, जिसमें एक भी बाहरी चीज नहीं है सिवाय नमक और तेल। ओके ओके, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही मजा आ गया, आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे गाँव में आए, एक मैंने बुलाया है फ्रेंड्स इनको, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ एक्चुअली, मैं इनको देख के मैंने सीखा है यूट्यूब में वीडियो कैसे बनाते हैं और कैसे, मतलब बहुत कुछ सीखा हूँ मैं इनसे, तो हमारे गांव में आए, आपका धन्यवाद सर। आपसे बहुत ही मतलब आपसे मिल करके आपका ये भोजन, आपका ये गाँव, आपके परिवार, सारे चीजों मतलब सब लोगों से मिलकर के और ये सारे घटनाएं जो घट रही है ना, मेरे जीवन के यादगार। धन्यवाद। फाइनली ये सरोज भैया के लाइफ स्टाइल के बारे में था और आज हम सरोज भैया से ही जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम था और क्या क्या सिस्टम था। सरोज भैया कुछ बताना चाहेंगे? कौशल भैया को देख रहे हैं ना कैसे खा रहे हैं, दबा के फूल रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। तो सरोज भैया जी, यहाँ का कार्यक्रम कैसा रहा आज का? कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया रहा, बाकी आप लोग बताइए कैसा रहा। बाकी तो मैं तो अपने स्टाइल में बना के देखे देख ही चुके होंगे आप लोग, तो कौशल भैया बताएंगे। बहुत शानदार, बहुत मजेदार, ऐसा मजेदार कि मैं आज तक जितना मैं मुझे लगता है मैं फुल हार्डकोर नॉनवेज हूँ। हाँ हाँ, मतलब बहुत प्रकार के मांस खाता हूँ, मांस खाता हूँ सुबह और शाम, तो जो मेरा अनुभव है ना वो नंबर वन में जा रहा है इसका। एकदम सही है, सही है, बहुत मजेदार है। तो लोकेश भैया अभी बता दीजिए कुछ। भाई मैं तो एक अभी जेके भाई के चैनल में मैं आ रहा हूँ, ये मेरी खुश नसीबी है, और जसपुर में भाई लोग इंतजार भी कर रहे थे हमारा, और ऊपर से इतना अच्छा स्वागत यार, क्या ही बताएं हम लोग। और जेके भाई बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं और ये दो तीन ठो उसमें भाषा में बात भी करता है ना। हाँ, तो अच्छा लगता है सुन के, एकदम यूनिक कंटेंट रहता है। तो आप इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, क्योंकि आपको जितना अच्छा आप इसको आगे बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। और सरोज भाई के यहाँ आप लोग के जसपुर में आया हूँ, और जसपुर में फूड ब्लॉग अभी तक नहीं किया था मेरे ख्याल से, ये मेरा पहला फूड ब्लॉग होगा, और ऊपर से ये चिकन बनाया और यहाँ के ऑर्गेनिक मसाले, हल्दी, मिर्ची और सारा चीज यही खेत का था, तो खाने का जो मलूफ उठा रहा ना, मतलब अति आनंद आ जा रहा है। मैं ऑफ कैमरा भी मैं चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूँ यार क्या स्वाद है दोना पत्तल। जब भी हम लोग आदिवासी एरिया में आते हैं तो थाली से खाना पसंद नहीं करते, दोने पत्तल में ही खाना पसंद करते हैं। अब ये जो थाली आप देख रहे हो इसको सरोज भाई की उसकी माता जी बनाई है, बोला कि भाई आपको मैं दोने पत्तल से इतना स्वाद बहुत ज्यादा पसंद आया, अति आनंद। धन्यवाद, मैं खाता हूँ गाइस अभी। तो ये सरोज की माता श्री, और तो ये दोस्तों ये सरोज भगत की मम्मी है झाड़ू बनाते हुए, और उनके पापा अंदर घुस रहे हैं और उनके चाचा बैठे हैं। तो देख ही सकते हैं दोस्तों हम लोग, ये सरोज घर घर है और ये होम टाउन है उनका, यहीं रहन सहन पालन पोषण हुआ, और उनके बेटे दक्ष भगत और महेंद्र मोतो जी भी साथ में हैं और काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं। तो ये सरोज भैया के पापा हैं, मांदर ढोलक के साथ हम लोग को इंटरटेनमेंट करा रहे हैं। हम लोग का आदिवासी क्षेत्र में ऐसा होता है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं, मांदर गाना ढोल बाजा के साथ स्वागत भी किए, प्लस विदा भी इसी से करेंगे। तो बाकी का वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपका अपना जेके जसपुरिया छोरा छोटा भाई, थैंक यू, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो।